हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव IAS एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, एक नई सीरीज के साथ हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष हम लोग यहाँ पर लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स 2020 एंड 2021 फॉर द UPSC CSC के लिए। ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि UPSC प्रीलिम्स में हमें गवर्नमेंट स्कीम से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। हर साल आप पेपर उठाकर देख सकते हो। तो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जैसा कि 2020 जो एग्ज़ाम हमारा आने वाला है उसमें हम लोग यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 2019 की 2020 की, ठीक है, सारी की सारी हम लोग यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। तो पार्ट 1 में जितना हो सकेगा हम लोग उतना इसमें कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करते हुए चलेंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये आप ऐसा नहीं कि UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अदर्स एग्जाम जैसे स्टेट PCS या फिर अदर्स को एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी ये आपका जो कोर्स है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों एक नया टॉपिक जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। तो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे बारे में जानते हैं, आप मुझे अन अकेडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर भी। और आप अगर आपको ये कोर्स और ये लेसन अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई नया लेसन अपलोड करूँ, इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ। और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो और इसका आपको PDF भी मिलेगा मेरे टेलीग्राम लिंक पर, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और फर्स्ट न्यूज हम लोग यहां पर जो डिस्कस करेंगे गाइस, तो फर्स्ट न्यूज से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेल्थ मिनिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से। तो पहली स्कीम जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत का नाम ही रखा गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत, आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। PMJ भी आप इसे कह सकते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसे आप लोग कह सकते हो। तो ये क्या है, ये बेसिकली तो जो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत है इसके, क्योंकि ये न्यूज़ ये अब की बार आने के ज़्यादा चांसेस है फॉर द प्रीलिम्स में दोस्तों, और मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इट इज़ ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑफ 2 मेजर हेल्थ इनिशिएटिव, नेमली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दोस्तों। तो इसमें 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कौन कर? पहली चीज़ इसमें 2 इस आयुष्मान भारत के तहत 2 इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके अंतर्गत। कौन सा पहला है? एक तो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहाँ पर किया जाएगा, ये चीज़ आप जान करें। इसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी इसी के तहत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम क्या होगा ये देखते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इसके अंतर्गत दोस्तों 1.5 लाख सब सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे फॉर दी हेल्थ केयर सिस्टम के तौर पर, क्लोजर टू दी होम्स ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मतलब कि आपके गांव के आसपास ही ये सेंटर बनाए जाएंगे ताकि आपकी जो ज़रूरतमंद जो स्वास्थ्य जो की जो चीज़ें हैं वो आपको गांव में ही मिल जा सके, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। These centers will provide comprehensive health care including for non-communicable disease and maternal and child health services दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये सारी services आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसका बेनिफिट्स क्या होगा ये भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या होगा। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा, तो
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड ए डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ सिर्फ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 5 लाख जो रुपीस दिए जाएंगे वो पर फैमिली पर ईयर है दोस्तों, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर। तो यहाँ पर हर फैमिली को यहाँ पर हर साल 5 लाख रुपए का यहाँ पर कवर दिया जाएगा। दिस कवर विल बी टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेकेंडरी केयर एंड दी मोस्ट ऑफ टेटरी केयर प्रोसीडर्स दोस्तों। तो अब क्या है कि 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि वो आने वाले साल में अगर उनको यहाँ पर कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई ज़रूरत है तो वो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, दोनों में वो 5 लाख रुपये तक की जो भी उनका खर्चा होगा स्वास्थ्य से रिलेटेड वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। तो एक प्रकार से उनका उनको 5 लाख का यहाँ पर उनको मेडिकल इंश्योरेंस यहां पर दिया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि या चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आयुष्मान भारत के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें इसी में भी अभी कुछ और चीज़ें हैं उसे भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम के तहत कौन लोग यहाँ पर आएंगे, किसको फ़ायदा होगा, तो इसके तहत दोस्तों वन सेकेंड, मैं अपना हाईलाइटर ले रहा हूँ। तो इसके तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, इसके तहत ये किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम विथ एंटाइटलमेंट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस है दोस्तों, अर्थात कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको आधार बनाया गया है, ठीक है, 2011। तो जो हमारी जो जनगणना है 2011 की उसको यहाँ पर आधार बनाते हुए, और इसके जो टारगेट कितने लोग हैं यहाँ पर 10 करोड़ से जो पुअर हैं वो यहाँ पर टारगेट किए गए हैं, 10.74 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को यहाँ पर ये फ़ायदा होने वाला है। फिर चाहे वो दोस्तों चाहे वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हों या फिर वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हों, ये दोनों के लिए, ये नहीं कि रूरल एरियाज़ के लिए, ये रूरल के लिए भी है और अर्बन के लिए भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी दोस्तों इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन सी होगी, तो जो नोडल एजेंसी होगी जो इसके इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, उसका होगा नेशनल हेल्थ एजेंसी, इसमें यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। साथ ही साथ स्टेट यूटी में जो भी यहाँ पर स्टेट हेल्थ एजेंसी यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। तो सेंटर में अगर बात करें तो नेशनल हेल्थ एजेंसी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, स्टेट की बात करें तो स्टेट में स्टेट हेल्थ एजेंसी सेटअप की जाएंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दी एक्सपेंडिचर इंक्लूड जो 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 भी यहाँ पर जो खर्चा आएगा वो सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम उसे बोलते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जितना भी पैसा उसमें खर्च होता है उसको शेयर करती हैं आधा आधा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मेनली ये 60 से 40 रेशियो होता है, ठीक है, मतलब कि 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो पैसा है वो हमारा स्टेट सरकार देगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये इसके बारे में है। तो अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कीम के बारे में। ये तो हमारा था आयुष्मान भारत के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अर्थात की PMSSY। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना क्या है इसे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वाज अनाउंस्ड इन 2003। तो इसकी जो घोषणा की गई थी 2003 की ये स्कीम है विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग रीजनल
imbalances in the availability of affordable and reliable tertiary healthcare services and also to augment facilities for quality medical education in the country. तो basically जो प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो दोस्तों ये इस योजना को इसलिए लाया गया था ताकि जो हेल्थ सिस्टम है, ताकि जो हेल्थ एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, उसके लिए यहाँ पर लाया गया था. तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दो चीज़ें किया जाता है. पहली चीज़ किया जाता है इसके अंतर्गत यहाँ पर न्यू एम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट जो पॉइंट है हमारा, न्यू एम्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं. जो भी जितने भी कंट्री में हम एम्स यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इसी स्कीम के तहत, अर्थात कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ही सेटअप कर रहे हैं. फिर दूसरा इसके था कि जितने भी हम लोग मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं जो उसके अपग्रेडेशन की बात हो रही है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज को और आधुनिक बनाना और साथ ही साथ न्यू एम्स यहाँ पर सेटअप करना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के ये दो कंपोनेंट हैं. इसमें आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इसमें बस इतना ही था, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर जानना नहीं था. और ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ये 2003 में यहाँ पर इसे इस योजना को लाया गया था और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, ठीक है. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, साथ ही साथ यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट है, एम्स और मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश करना. अब दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम में, चाहे आप 21 में दे रहे हो या 2020 में दे रहे हो. तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. तो प्रधानमंत्री वन सेकंड गाइस, या तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दोस्तों अप्रैल में 2016 में इस योजना को लॉन्च किया गया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. 2016 में इसकी स्थापना की, यानी कि इसको लॉन्च किया गया था. और साथ ही साथ यहाँ पर इसका एम क्या है दोस्तों कि जो भी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के तहत यहाँ पर एक ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब कि किसानों को यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाता है. तो वो जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस इसलिए दिया जाता है कि कोई डिजास्टर हो जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे कि किस किस सिचुएशन में, या फिर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनको यहाँ पर उनको कुछ वित्तीय सहायता मिलती है, क्रॉप इंश्योरेंस ये स्कीम. तो यहां पर बात करते हैं. तो दोस्तों अब इस स्कीम में जो प्रीमियम रखा गया है आपको वो ध्यान रखना कि प्रीमियम कितना रखा गया है. वन सेकेंड जी. तो जो प्रीमियम दोस्तों यहाँ पर रखा गया है वो अलग अलग दोस्तों है. जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जो 2% जो प्रीमियम यहाँ पर रखा गया है, जो कि 2% जो है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो इनको जब इनकी क्रॉप्स मान लीजिए कोई डैमेज हो गई है, ठीक है, किसी भी कारण की, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर वो मानवीय आपदा हो, दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है. तो उसमें क्या है कि उसमें 2% जो यहाँ पर जो पैसा यहाँ पर दिया जाएगा वो पहले किसान के द्वारा इसमें इस बीमा योजना में दिया जाएगा. 2% दिया जाएगा किसके लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स के लिए यहाँ पर 2% किसान को देना पड़ेगा, ठीक है. फिर इसके साथ साथ जो रबी क्रॉप्स है उसके लिए यहाँ पर 1.5% यहाँ पर रखा गया है. इसके साथ यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनको यहाँ पर 5% यहाँ पर रखा गया है. तो ये तीन क्रॉप्स आपको ध्यान में रखना है जो कि फार्मर्स को यहाँ पर पे करना है इस बीमा के तहत. जो मतलब कि आप मान लीजिए जब आप कोई बीमा करवाते हो तो आपको कुछ इनकम देना पड़ता है, फिर बाद में आपको उसका फ़ायदा आपको बाद में होता है. तो ये उसी तरह कैसा है कि 2% जो यहाँ पर पैसा है वो किसान खरीफ क्रॉप्स के लिए है जो कि देंगे, और 1.5% जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए है, और 5% जो है वो हॉर्टिकल्चर और क्रॉप्स के लिए है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. दी
डिफरेंसेस बिटवीन प्रीमियम एंड द रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस पेएबल बाय फार्मर्स इज प्रोवाइडेड एज सब्सिडी एंड शेयर्ड इक्वली बाय द सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पर जो इनका जो प्रीमियम होगा और जो यहाँ पर रेट इंश्योरेंस होगा यहाँ पर जो कि जो जो कि फार्मर्स के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है वो उनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि सब्सिडी के तौर पर उनको यहाँ पर मिलेगा और जो कि सेंटर और स्टेट दोनों में ये इक्वली यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये यहाँ पर पहले किसानों को अपने कुछ कुछ जो पैसे हैं वो जमा करने पड़ेंगे इस बीमा के तहत। उसके बाद अगर मान लीजिए अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वन सेकेंड या ठीक है। तो अब दिस स्कीम इज मैंडेटरी फॉर फार्मर्स हु हैव टेकन इंस्टीट्यूशनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इट्स ऑप्शनल फॉर फार्मर्स हु हैव नॉट टेकन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। दोस्तों तो ये उनके लिए आवश्यक है जिन्होंने यहाँ पर बैंक से लोन लोन ले रखा है, साथ ही साथ उनके लिए भी ऑप्शनल है जो कि अभी किसी भी इंस्टीट्यूशनल से कोई लोन या वगैरह यहाँ पर नहीं लिए हैं, उनके लिए ऑप्शनल है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप्स लॉस डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ अनफॉर्सिन इवेंट। दोस्तों इसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य क्या है, स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूस इन फार्मिंग। फिर इसके साथ यहाँ पर फार्मर्स को इनक्रेज करना है टू अडॉप्ट इनिशिएटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये कुछ उद्देश्य है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्टेन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैव बीन ब्रॉट अंडर एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। डैमेजेस की बात करें तो डैमेजेस ड्यू टू इंडिविजुअल फील्ड्स ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ लोकलाइज्ड डिजास्टर्स लाइक वाटर, मतलब कि मान लीजिए कि बाढ़ आ गई या फिर लैंडस्लाइड हो गया या फिर ओलावृष्टि हो गया, ठीक है, या फिर हेल स्टॉर्म्स हो गया, फायर लग गई, आग लग गया, तो ये सब इसके तहत रखा गया है। इस सारे डैमेजेस को रखा गया है जिसके तहत उनको यहाँ पर इनका जो लॉस यहाँ पर होगा उनके डैमेजेस उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ये इन द केस फ्रॉम डिले इंश्योरेंस क्लियरेंस बियॉन्ड 2 मंथ्स इट विल हैव टू पे एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और साथ ही साथ ये इसमें कौन कौन से प्रीमियम कितने 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 परसेंट है ये आपको ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर की। तो इंश्योर क्या है ये थोड़ा सा हमें समझना है। तो इंश्योर दोस्तों क्या है कि ये एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है इंश्योर जो कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन EDEG अर्थात की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलप्ड बाय नाबार्ड एंड ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। दोस्तों अंडर द मिशन कंपोनेंट EDEG सब्सिडी पेमेंट फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू पोल्ट्री स्मॉल रेमिनेंट्स पिक्स ये सब में यहाँ पर क्या है कि इसके तहत यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी थ्रू दी DVT अर्थात कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे उनके खातों में सब्सिडी पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जिससे कि वो अपने जो एनिमल हस्बेंड्री है या फिर पोल्ट्री है या फिर स्मॉल कोई उनका रेमिनेंट्स है उसको वो आगे बढ़ा सके, चला सकें, ठीक है। तो ये एक प्रकार से रोजगार देने वाली एक प्रकार से स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो टू मेक इज बेटर सिंपलर एंड ट्रांसपेरेंट
एंड ट्रांसपेरेंट, दी नाबार्ड हैज़ डेवलप्ड एन ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर व्हिच मेक्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बेनिफिशरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ अप्लीकेशन रेडली अवेलेबल। तो ये जो इंश्योर होगा ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि किनको इनका लाभ मिला है, किनको नहीं मिला है, ये सब जो डाटा है वो इंश्योर के तहत यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर यहाँ पर करेंगे, तो इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। दोस्तों ये पार्ट वन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। तो अगर आपको ये आज का जो सेशन है वो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस कोर्स को अपना रेट एंड रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस जितना ज़्यादा आप इस कोर्स को यहाँ पर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ये कोर्स पूरा का पूरा आपको यहाँ पर कवरेज मिलेगा और इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स क्रैक बी सत्यम श्रीवास्तव, नीचे लिंक दिया हुआ है और आप मुझे अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ आज का जो ये सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।